दिमाग खराब हो जाएगा ये जानकर कि आपने लोन अप्लाई करवाने के लिए, लोन लेने के लिए कितना, न जाने कितना बैंक का चक्कर लगाए होंगे और कितना ज्यादा पैसा खर्च कर दे होंगे लोन अप्रूव करवाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ऐसा लोन अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप घर बैठे बैठे तुरंत आप एक दिन के अंदर में अपना लोन अप्लाई करवा करके, अप्रूव करवा करके अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक आधार पर 5 लाख रुपए, दो आधार पर 10 लाख रुपए, ऐसे करके आपको पैसा मिलेगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे यहां पर लोन अप्लाई करेंगे, कैसे यहां पर सबमिट करेंगे, कैसे यहां पर अपना फाइल सबमिट करेंगे, सब कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपको 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक का आपको लोन का आवश्यकता है, लोन की नीड है, तो आज की वीडियोज में जान जाएंगे कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको लोन अपने अकाउंट में लेना है। सब कुछ आपको जानकारी सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यह जो लोन अप्रूव करने का तरीका बताने वाला हूं, यह कोई ऐसा फर्जी वर्जी तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग यहां पर लोन लेकर के और फंस जाएं। दोस्तों मैं जो तरीका बताने वाला हूं, यह तरीका रियल है, लीगल है, सरकार द्वारा अप्रूव्ड तरीका है और इस तरीके से मैक्सिमम लोग यहां पर लोन लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपको कोई बिजनेस खोलना है, कोई आपको यहां पे बिजनेस करना है, या फिर दोस्तों आपको कोई ऐसी जरूरत है जिससे कि आपको लोन लेना है, या फिर कोई भी तरीके के लिए आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 100% है कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद में आप लोग लोन के कहीं किसी से भी आपको रोने गिराने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोन सिंगल, आप लोग सिंगल वीडियो से अप्रूव करवा सकते हैं। अब बात करता हूं इस लोन लेने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले यहां बात करते हैं लोन अप्लाई करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया मैंने आपको सिंपल सटीक शब्दों में बताया हूं कि कैसे आप लोग लोन अप्लाई करने की प्रक्रिया को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला और चरण जो रहेगा, इस चरण में क्या करना है आपको, या मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं बाकी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे कि पहला तरीका क्या है कि चरण एक में ऑनलाइन आवेदन करना है, यानी कि आपको फॉर्म को क्या करना है, आवेदन करना है। दूसरे चरण में क्या है, आवेदन आवेदक डेटा को सेव करना है, यानी कि जो आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसको आपको सेव करना है। और फॉर्म आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बताया हूं तो आप लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहां दोस्तों इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। यहां पर तीसरा चरण में क्या है, आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से यहां पर दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। और चौथा जो चरण है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फाइनल चरण है, इस चरण में क्या है, फाइनल सबमिट करना है और इसी फाइनल सबमिट के अनुसार आपके अकाउंट में लोन का जो पैसा है वो आएगा। अब लोन का पैसा आप सोचेंगे कि लोन का पैसा कैसे आ जाएगा, सबसे पहले इतना जो आपका प्रक्रिया करने के बाद में ये चार प्रक्रिया करेंगे और इस चार प्रक्रिया करने के पश्चात में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन पैसा आने के पहले का खेल क्या होगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोन अप्लाई कराएंगे ना, जैसे यहां पर इतना सबमिट कर दिए, फाइनल सबमिट कर दिए, अब ये आपका जो फॉर्म है ये फॉर्म जाएगा गवर्नमेंट सरकार के पास में। अब गवर्नमेंट सरकार आप जो बैंक डाले देंगे उस बैंक के पास में आपका डाटा भेजेगी, क्या इस बंदे को इतना लोन का नीड है, इतना लोन अप्रूव करना है। अब जो ये क्या करेंगे, बैंक वाले रहेंगे, ये बैंक वाले आपके घर में आएंगे, आपके घर आएंगे, आपके घर का जायजा करेंगे, क्या इसको मैं लोन दे रहा हूं तो ऐसा ना हो कि ये कहीं जुआड़ी हो गया या फिर कहीं सट्टेबाजी करता हो ऐसे तरीके, या फिर दारूबाज ना हो, मतलब ऐसे तरीके पूछेंगे, क्या ऐसा ना हो कि नहीं मैं इसको लोन दे दिया तो ये लोन अप्रूव मतलब लोन रीपेमेंट न कर सके। और दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि इस लोन में आपको 35% तक यहाँ पर सब्सिडी भी मिलने वाली, यानी 35% यहां पर लोन आपका माफ भी होने वाला है। तो यहां पर जो बैंक वाले आएंगे आपके घर में जायजा लेंगे, उसके बाद में आपका पेमेंट जो रहेगा आपके अकाउंट में भेज देंगे। इतना ही प्रोसेस है, आप घर पर बैठे ही बैठे इतना प्रोसेस कर देंगे और 100% है कि आपका लोन जो है अप्रूव हो ही जाएगा। बस आपको जो बैंक वाले आएंगे तो उनसे मत कहिएगा नहीं मैं सट्टेबाज हूं, जुआ खेलता हूं, ऐसे ये मत बताइएगा, और ये मत बताइएगा मैं यहां पर दारू पीता हूं, ऐसे वगैरह ये सब मत बताइएगा। इसके साथ में वो आएंगे आपका घर वगैरह देखेंगे
कि हाँ यार इसका जो बंदा है ये वास्तविकता में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या फिर कहीं और रहता है, यही आपके लिए करेंगे। इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, इलिजिबिलिटी क्या है। इलिजिबिलिटी यानी कि आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस हिसाब से आपको मिलने वाले। तो यहाँ पर आपका एज जो है वो 18 से प्लस रहने वाला है, यानी आप 18 साल से प्लस रहेंगे तभी आपको लोन मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है यहाँ पर नो सीलिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है भाई, जब कहते हैं यार गोपी भाई इसका मतलब ही नहीं समझ आता है, नो सीलिंग ऑफ इनकम, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में आपकी इनकम जो है 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी हो, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे कहता हूं, प्रोपर्टरशिप फॉर्म ओनली, यानी कि ऐसा ना कोई प्राइवेट प्राइवेट कंपनी न हो, ऐसा न होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन की यदि हम बात करें तो 18 साल से ऊपर आपकी, सॉरी 18 साल नहीं, 8वीं पास होना चाहिए, यानी 8 से जब भी हो आप पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं ग्रेजुएशन, PhD हो गया, MSc चाहे जो कुछ भी, 8वीं से ज़्यादा आप पढ़े लिखे होने चाहिए। यहाँ पर नो अदर स्कीम बेनिफिट, यदि आप कोई और लाभ ले रहे हैं सरकारी पद पर, आप कोई और लाभ ले रहे हैं तो उसके तहत में आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे दिन बात करें तो यहां पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या करने वाले, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले दिन बात करें बेसिक ई केवाईसी में क्या हो गया कि आपका यहां पे क्या लगेगा, आधार लगेगा, और इसके बाद में क्या लगेगा, पैन कार्ड लगेंगे, और इसके बाद में बस आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा यदि बात करें तो आप जो 8वीं 10वीं पास 12वीं पास जो करेंगे उसका रिजल्ट वगैरह सबमिट करना होगा, बस इतना ही। और इसके साथ में यहाँ पर क्या लगेगा, फोटो यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है गोभी भाई बता दीजिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस के लिए हमें क्या करना है कि लोन लेना है। जैसे मान लेते हैं आपको क्या करना है, डेयरी उद्योग करना है, या फिर मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, या फिर कोई और बड़े बिजनेस करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, उसका आप यहाँ पे क्या करना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, क्या इस प्रोजेक्ट में कितना यहाँ पर हमको पैसे की आवश्यकता होने वाली है, और इस पैसे के साथ साथ में मेरे पास में कितना पैसा है, और टोटल इसमें कितना पैसा लगने वाले हैं मंथली। यदि हम इस बिजनेस को खोलेंगे तो मंथली हमारा कितना यहाँ पर एक्सपेंड होगा, मंथली कितना हमारा यहाँ पर मजदूरी लगने वाला है लोगों को देने के लिए, तो वो सब यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर यही लगेगा। इसके साथ में हम बात करें तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। अब स्कोर के बारे में मैं बात करूंगा बाद में, स्कोर क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अब चलते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियोज को देखिएगा, अभी तक वीडियोज को लाइक नहीं होंगे वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब आता हूँ दोस्तों, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर होम पाता हूँ। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी पॉइंट्स मिस हो जाए तो भाई साहब मेरे क्या कर सकते हैं, मेरे यदि मुझसे भी कोई पॉइंट्स मिस हो जाता है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं ऐसा कोई पॉइंट्स मिस नहीं करने वाला हूं, सब कुछ एक एक स्टेप बताने वाला हूं। यहां पे गूगल में आप लोग आइएगा, अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा, सर्च में क्या करना है, यहां पे सर्च करना है PMEGP। जैसे ही PMEGP सर्च करेंगे ना, यहाँ पर रिकमेंडेशन में आ जाएगा PMEGP लोन, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर जो पहली वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पर पहली वेबसाइट नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है www.kbiconline.gov.in, ऐसे करके यहाँ पर PM लिखे रहेंगे, और यहाँ पर PMEGP होम करके लिखा रहेगा। अब ध्यान देना है कि इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी आते रहते हैं, तो स्पॉन्सर्ड वाले पर आपको क्लिक नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ना, आप इस प्रकार की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर ध्यान क्या देना है, जैसे कि आप ध्यान देना है यहां पे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहां पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, इसको आप लोग ध्यान में देना है। यही आपको क्या करना है, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसको मैं यहां पर जूम आउट करता हूं। अब यहां पर जैसे अप्लाई करना है ना, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा रीड, अब ये जो पेज ओपन हो गया ना, ये बेसिकली आपको लोन अप्लाई करने का पेज ही ओपन हो गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, आधार कार्ड नंबर, यहां पे अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर फिलअप करना है, इतना तो फिलअप हो ही आएगा। यस,
फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर ई आई डी इनरोलमेंट यदि होगा तो इसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आवेदक का नाम यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आवेदक का नाम यहाँ पर डालना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप श्री लगाते हैं यानी कि मेल होंगे तो श्री लगाएंगे, यदि औरत होंगे तो श्रीमती लगाएंगे, या फिर आप अपने टाइटल के आगे कुमार लगाते हैं या फिर मिसेज लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर श्री लगा देता हूँ, अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर नाम जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जैसे जी ओ पी आई सी एच आई ऐसे आप लिख देंगे, यहाँ पे नाम हो गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट एजेंसी की यदि हम बात करें तो सेलेक्ट एजेंसी क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी, यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी की बात करें तो के वी आई सी हो गया, के वी आई बी हो गया और डी आई सी हो गया, ऐसे आप रूरल क्षेत्र में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे के वी आई सी कर दीजिएगा, यहाँ पे जो गया, यहाँ पे स्टेट्स यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टेट हो गया यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब इसके आगे यहाँ पर आ गया सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी सा भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर यार नीचे आओगे ना, यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जैसे कहता हूँ यहाँ पर कोई सा भी मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे क्या मैं मिर्जापुर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पे इसके कार्यालय होंगे यहाँ पर शो कर देंगे, यहाँ पे नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, यहाँ पे फोन नंबर इस पर कॉल करेंगे, मेल आई डी हो गया, उत्तर प्रदेश यहाँ पिन कोड यहाँ पर सब कुछ दे दिया। यदि आप यहाँ पर विजिट करके भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आता हूँ यहाँ पर, अब नीचे क्या है, यहाँ पर कानूनी प्रकार जो है यहाँ पर इंडिविजुअल रहने दीजिएगा। यदि हम बात करें लिंग की तो यहाँ पर मेल फीमेल जो होगा यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जन्मतिथि की बात करें तो यहाँ पर जन्मतिथि अपना डालिएगा, इसके विषय मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जन्मतिथि कैसे डालना है। जैसे मेरा जन्मतिथि है 5/5/2005 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे, एक मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग भ्रम खा जाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखेंगे 05/05/2005 ऐसे डालेंगे, यहाँ पे जो स्लैश हो गया ऐसे डालेंगे, आपका ऐसे जैसे डालेंगे यहाँ पर आपका आयु जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा, इस प्रकार से आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर जैसे इसके आगे एक दिन बात करें ना सोशल कैटेगोरी की यदि बात करें तो यहाँ पर जैसे हैं आप यहाँ पर अपने अनुसार आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, जनरल हो गए आप या फिर अदर वर्ड्स हो गए या फिर अपने जाति के अनुसार यहाँ पर डाल दीजिएगा सामाजिक श्रेणी। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर सोशल कैटेगोरी विशेष श्रेणी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर विशेष श्रेणी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, कोई खास इसका मैटर नहीं है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी योग्यता को सिलेक्ट करना है, आप क्या है यहाँ पर 8वीं पास है या फिर 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार जो पास होंगे। यहाँ पत्राचार हेतु पता यहाँ पर जो है आपका जो पत्राचार पता जो है कि आपका कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है या फिर कहाँ पे आपका जो पत्र आएगा कहाँ पे रहेगा, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अपने साथ भर लीजिएगा आपका पता यहाँ पर भर लीजिएगा। नीचे यदि हम बात करें तो ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, पिन कोड हो गया, यहाँ पर सब कुछ फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो मेन है ये सब नाम वाला है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, एक मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर, यदि दो सिम यूज करते हैं दो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा या फिर अपने घर पर किसी का भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल हो गया यहाँ पर ईमेल डालिएगा, पैन नंबर हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर स्थायी पता, आपका स्थायी पता सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, स्थायी पता हो गया, और यहाँ पर बात करें प्रस्ताविक इकाई पता यहाँ पर जो हो गया यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर जो है अपना पता, तालुक पता, जिला, पिन कोड यहाँ पर सब कुछ फिर से डाल दीजिएगा। अब दोस्तों अच्छा ये जो मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे, यहाँ पे पत्राचार हेतु पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर डालना है, और ये क्या हो गया प्रस्तावित इकाई पता, इसमें दोनों में अंतर क्या है कि आप अभी के टाइम में कहाँ पे हैं और आपका स्थायी पता कहाँ पे है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया गतिविधि प्रकार की बात करें तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कौन सा वर्क करते हैं, सर्विस करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस प्रकार से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर नीचे आते हैं उत्पादन विवरण यहाँ पर हो गया, इसके अलावा यदि बात करें ईडीपी ट्रेनिंग अंडर ग्राउंड की यदि बात करें तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, या हालांकि यहाँ पर नो ही कर दीजिएगा इसको, और यहाँ पर प्रशिक्षण संस्था का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे होगा परियोजना की लागत यहाँ पर डालिएगा, अच्छा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान, आपका पूंजी क्या है, आप कितना का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर हो गया, आपकी मंथली में कितनी खर्च होने वाली है, आपका कुल कितना यहाँ पर लोन अप्रूव करवाना है, इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर दे कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर, हाँ ठीक है इतना डाल दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है
बैंक विवरण यहाँ पर डाल दीजिएगा, किस बैंक में आप लोग पैसा मंगाना चाहते हैं, आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेगा, ब्रांच शाखा डालेगा, एड्रेस डालेगा, जिला डालेगा, यहाँ पर सिलेक्ट आईएफएससी यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आप अपने अनुसार यहाँ पर आपका जितना भी बैंक रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा फाइनेंशियल बैंक, यदि आप कोई और बैंक यूज करते हैं तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, आईएफएससी कोड हो गया और यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर डिटेल्स है यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डाटा पर आपको क्लिक करना है। सेव एप्लीकेशन डाटा ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेव एप्लीकेशन, इसको जैसे ही सेव करेंगे ना आप जो मोबाइल नंबर डाले रहेंगे, आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले रहेंगे, यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर हो गया ना, इधर ईमेल आईडी ऑप्शन आया, वहाँ पर गया ईमेल आईडी, अब जो हाँ यहाँ पे ये ईमेल आईडी हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड करके जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। अब उसको क्या करना है, उसको जैसे ही आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। मैं यहाँ पर चलता हूँ, होम पर आता हूँ इसके होम पर। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ पर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन एप्लीकेंट की यहाँ बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे, लॉग इन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी डालेगा और पासवर्ड डालेगा, ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल पर जाएगा, दोनों पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों डालना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे ये लॉगिन हो जाएंगे ना, अब इसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके बाद में दो स्टेप्स रहेंगे, एक आपका, अच्छा चलो मैं यहां पर आता हूं अपने लिखावट के अनुसार, हाँ यहां पर अब देखिए यहां पे स्कोर 60+, ये इसको 60 प्लस की जो मैं बात कर रहा था ना, यहीं पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना लीजिएगा, बेसिक केवाईसी आप तो कंप्लीट ही कर लेंगे। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स यदि हम आएंगे ना वहाँ पे तीन स्टेप्स रहेंगे, एक बेसिक केवाईसी, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, आपका जो रिजल्ट रहेगा उसका फोटो कॉपी अपलोड करना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट रिजल्ट रिपोर्ट आएगा, उसको आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। फिर तीसरा स्टेप आएगा स्कोर 60+, ये क्या है ना कि आपसे सिंगल सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका एज कितना है, तो आप ऑलरेडी वहां पे मेंशन, ये आपका क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपसे रिलेटेड रहेंगे, उसको पूछा जाएगा आपका एज कितना है, आपके अनुसार आपके परिवार में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंसी है, जैसे कि मैं अपने घर का सरदार हूं ना तो हमारे नीचे कितने लोग हैं, कितने लोग का मैं खर्चा चलाता हूं, जैसे 3 या 3 से अधिक यहां पर हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो ऐसे करके आपके लाइफ से रिलेटेड ही आपसे कुछ 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेक श्योर उसमें आपका जो स्कोर आना चाहिए 60 से प्लस ही रहना चाहिए। अक्सर केसेस में यहाँ पर 90-95% यहाँ पर स्कोर जाता है, लेकिन एक मिनिमम है कि 60 से प्लस यहाँ पर स्कोर आपका जाना चाहिए, तो आपका जो स्कोर 60 से प्लस रहेगा तो आपका यहाँ पर लोन अप्रूव हो जाएगा। अब ध्यान से बात सुनिएगा, अब यहाँ पर लोन अप्रूव होने के पश्चात में ये लोन जो अब फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म PMEGP के तहत सरकार के पास में जाएगा, वहां से आपके बैंक के पास में फॉरवर्ड किया जाएगा, आपका बैंक आएगा आपके घर में जायजा लेगा, आपका जायजा लेने के पश्चात में, जायजा में कोई खास नहीं, वो होता है क्या ना, बेसिकली जो बैंक वाले होते हैं वो आपको लोन देते हैं ना, उनको फायदा ही होता है, लेकिन उनकी एक प्रक्रिया होती है कि भाई जिसको मैं लोन दे रहा हूं उसको उसके घर जाकर के देखूं, उसके घर को विजिट करूं, उसके घर वालों से बात करूं, ऐसे होता है, तो वो आएगा आपके घर के पास में, आपके घर से कुछ बातें करेगा, 2-4 बातें करेगा, उसके पश्चात में जाएगा लोन अप्रूव करके आपके अकाउंट में पैसा सेंड कर देगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा।